तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये तीन चीजें हैं। अब ये पोटेंशियल क्या है इसको समझाने के लिए मैं वापस फिजिक्स के प्लस वन के स्टार्टिंग में चलता हूँ। जब से फिजिक्स स्टार्ट हुई और मेन फिजिक्स जो स्टार्ट है वो मैकेनिक्स और फोर्स एंड फ्रिक्शन से स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले आपको पढ़ाया जाता है फोर्स। अगर आप उससे भी पहले जाएं छठवीं या पांचवीं क्लास से, सबसे पहले अगर साइंस की बात करते हैं और फिजिक्स की बात करते हैं, जिस दिन से आपकी उसमें सिलेबस में पी सी एम स्टार्ट हुआ, उसमें फिजिक्स के अंदर दो चीजें जरूर सिखाई गई, पहली फोर्स और दूसरी एनर्जी। फोर्स एनर्जी ये आपने पढ़ा, फिर आपने प्लस वन में एंट्री की, फिर स्टार्ट किया फोर्स, फिर वर्क एनर्जी पार, फिर आप ग्रेविटेशन में गए, ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फिर आप प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इलास्टिसिटी में गए, वर्क इन फोर्स इन स्ट्रेचिंग अ वायर यंग्स मॉडुलस की फॉर्म में, एंड वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर यंग मॉडुलस की फॉर्म में, फोर्स एनर्जी। फिर आपने सरफेस टेंशन की, सरफेस टेंशन क्या होती है, फोर्स बाय लेंथ, फिर आपने की सरफेस एनर्जी, वर्क डन बाय एरिया, फोर्स एनर्जी। फिर आप सिंपल हार्मोनिक मोशन में गए, वहां पर आपने कहा फोर्स, कितनी फोर्स रिस्टोरिंग है जो वापस लेके आ रही है, और कितनी एनर्जी डेवलप हो रही है जब हम रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहे हैं। फिर आप इलेक्ट्रोस्टैट्स में आए, इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ाया जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, टाइम आ गया एनर्जी करने का। फिर मैग्नेटिक्स में आएंगे, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक एनर्जी। हर चीज दो पार्ट्स में डिवाइडेड चलेगी। अब अगर मैं फोर्स की बात करता हूं, जो हमने ऑलरेडी किया, फोर्स के साथ दो नई चीजें, या एक और नई चीज सीखी, वो है फील्ड। देखो फोर्स से ही बना हुआ है ई वेक्टर, इनमें डिफरेंस नहीं है, एफ आ गया तो ई भी आ गया, आपने देख ही लिया, दोनों की दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो फील्ड एक ऐसी जगह जहां पर हम क्या लगा सकते हैं, जहां पर एक चार्ज दूसरे चार्ज को कोई फोर्स लगा सकता है, सिंपल हो गया। तो फील्ड वो जगह है, पोटेंशियल क्या चीज है, पोटेंशियल भी वही चीज है लेकिन स्केलर फॉर्म में है, मतलब जो काम फोर्स करती है फिजिक्स में वो फोर्स करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, जो काम एनर्जी करती है फिजिक्स में वो काम करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज करती है, मतलब जो पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी है ये वर्क डन या एनर्जी का ही कॉन्सेप्ट यूज करेंगी, ठीक है यहां तक। अब यानी कि दो पार्ट्स में चल रहे हैं, अभी तक हमने सारा काम वेक्टर में किया, अब हम सारा काम स्केलर में करेंगे, कोई वेक्टर में। तो इसके अंदर स्टार्ट जो हम करते हैं वो पोटेंशियल से करते हैं, तो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी है पोटेंशियल, जो क्या डिटरमिन करती है, फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। कि अगर आप नेचर की बात करें तो नेचर में पानी गिरता है फ्रॉम हायर हाइट टू लोअर हाइट, ऐसा ही होता है। हीट जाती है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ऐसे ही होता है, नेचर है। आप एक हाई पोटेंशियल बॉडी लो, लो पोटेंशियल बॉडी लो, तार जोड़ दो तो चार्ज मूव करेगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगर आप एक सेल परचेज करके आते हैं उसमें लिखा होता है पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव हमेशा हायर पोटेंशियल होता है, नेगेटिव हमेशा लोअर पोटेंशियल होता है, आप तार जोड़ते हैं बल्ब ऑन हो जाता है, क्यों, क्योंकि जैसे ही उनको कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स को तो चार्ज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और जब तक वो इक्वल पोटेंशियल नहीं हो जाते तब तक उसमें करंट रहेगा, जैसे ही इक्वल पोटेंशियल हो जाएंगे करंट बंद, सेल खत्म हो जाएगा, ठीक है यहां तक। तो पोटेंशियल्स का पढ़ना जरूरी है, हम ये तो नहीं कहते कि सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ये यहां से प्लस माइनस है, नहीं, हम पोटेंशियल्स की बात करते हैं, होता क्या ये देखते हैं। तो ये क्या डिटरमिन कर रहे हैं कि चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा। दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक वेक्टर का तरीका, एक स्केलर का तरीका। अगर हम वेक्टर की बात करते हैं तो हमारे पास क्या टर्म है जिसको स्टडी करवाया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसे हम फील्ड को स्टडी करते हैं, और दूसरी स्केलर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिससे हम फील्ड को स्टडी करते हैं। जैसे सपोज करो अगर मैं ये बोलूं कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है, तो पॉजिटिव चार्ज का आप बता सकते हो कि कहां मूवमेंट होगी, कहां होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे किया आपने, आपने स्टडी किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, डायरेक्शन इधर है, तो आप वेक्टर्स डायरेक्शन इधर है, और फिर आप फोर्स की डायरेक्शन देखते हो कहां होगी, वेक्टर बनाते हो।
लेकिन अगर यही बात मुझे पोटेंशियल में बोलनी है, बस मैं बोलूंगा दिस इज एट 10 पोटेंशियल, दिस बॉडी इज एट 2 पोटेंशियल, तार जोड़ दो जी, चार्ज विल मूव फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, खत्म। मेरे को डायरेक्शन बताने की जरूरत क्या है? मेरे को ना ई वेक्टर बताना, ना मुझे एफ वेक्टर बताना, मुझे कुछ ना बताना, बस मेरे को दो वैल्यूज बतानी है, एक हायर पोटेंशियल की, एक लोअर पोटेंशियल की, अपने आप चार्ज मूव करेगा। तो आपने एक चीज नोट की, पहला मेथड इलेक्ट्रिक फील्ड का था। इलेक्ट्रिक फील्ड के मेथड में हम डायरेक्शन से अपनी चीज को समझाते हैं। दूसरा मेथड स्केलर है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं, वैल्यू से समझा देंगे। बात तो वही है, चार्ज की मूवमेंट बता रहा हूं मैं। तो दो चीजें हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कर लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करेंगे। क्योंकि तीन चीजें पढ़नी है हमने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये तीन चीजें हैं। हम तीनों चीजों को इकट्ठे ही पढ़ेंगे ताकि हमें एग्जैक्टली पता हो कि तीनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है यहां तक? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है क्या? जब भी हमने पोटेंशियल एनर्जी टर्म की बात की, कभी भी फिजिक्स में, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में तब डेवलप होती है जब आप नेचर के अगेंस्ट काम करते हो। जैसे पत्थर पड़ा है जमीन पे, आपने उसको दिया उठा, तो हुआ क्या, जैसे ही आपने उसको उठाया वो आना ही नहीं चाहता भाई ऊपर, क्योंकि वो अगेंस्ट नेचर है। नेचर चाहती है कि पत्थर अर्थ के पास रहे, आप उसे ऑपोजिट लेके आ रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ा, अगेंस्ट नेचर, वर्क डन। आपने वर्क डन किया, छोड़ के देखो पत्थर फिर नीचे, उसमें एनर्जी भर गई, स्प्रिंग है, नहीं खुलना चाहता, आप जबरदस्ती खोल रहे हो बाय डूइंग वर्क डन, छोड़ो फिर वापस। ठीक उसी तरीके से दो चार्जेस पॉजिटिव है यार, वो पास नहीं आना चाहते, तुम धक्के से जबरदस्ती उसे पास लेके आ रहे हो, तो क्या करना पड़ेगा, वर्क डन, तो एनर्जी भर जाएगी दोनों में, जब छोड़ोगे भाग जाएंगे साथ दोनों के दोनों। क्लियर है यहां तक? तो सोचो कि आप लोग स्टूडेंट नहीं हो, आप लोग चार्जेस हो पॉजिटिव, आप सब पॉजिटिव चार्जेस हो, और आप में से कोई भी एक दूसरे को पसंद नहीं करता, दोनों एक दूसरे को, हर कोई एक दूसरे को रिपेल करता है कि तू बस मेरे सामने मत दिखियो, भाग जाए यहां क्लासरूम के बाहर। ठीक है, अब आप घर बैठे हो और आपको मैं बुला रहा हूं कि चलो क्लास में आओ, आप में से कोई भी आने को तैयार नहीं है, क्योंकि पहला बंदा, पहले बंदे को पूछता हूं तू चल। अब अपने घर में बैठने का मतलब है आप इस मेरे से बहुत दूर हो, बहुत दूर को फिजिक्स में क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी, हर कोई इन्फिनिटी पे है, एक दूसरे से बहुत दूर पे है। तो मैंने इसे कहा कि चल मेरे साथ चल, ये कहता है जी आपके साथ तो चल पड़ूंगा, पर वहां कोई दूसरा चार्ज नहीं होना चाहिए। ठीक है डन, तो मैंने कहा चल, तो ये मेरे साथ चल पड़ा, मेरे को कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा इसके ऊपर, इसको लाने में, क्यों, क्योंकि इसको रिपल्शन किसी ने दी नहीं, तो ये आराम से आके बैठ गया, तो मेरा वर्क डन जीरो। फिर मैंने दूसरे चार्ज को कहा भाई अब तू भी घर से चल, अब ये क्लासरूम के बाहर तक तो आ गया मेरे पास, मेरे को कुछ जोर लगाना नहीं पड़ा इसे, लेकिन जैसे ही क्लास में आया इसका फील्ड प्रेजेंट था, पहले चार्ज का फील्ड प्रेजेंट था, मान लो सिर्फ क्लासरूम तक था, तो ये क्लासरूम के बाहर तक तो मेरे से कोई वर्क डन नहीं करवा रहा, कोई टेंशन नहीं, लेकिन जैसे ही फील्ड में एंटर करता है पहले चार्ज के, ये चार्ज इसको क्या करता है, रिपेल, अब ये आने को तैयार नहीं है, अगर मैं एंटर नहीं कर सकता, मैं खुद एंटर नहीं कर सकता, तो मैं कोई बात नहीं मैं बैठा हूं। तो मैंने क्या किया, पकड़ के इसे पास लाना शुरू किया। शुरू में मेरा वर्कडन कम था क्योंकि मेरे पे फोर्स कम लग रही थी, जैसे ही मैं पास आ रहा हूँ फोर्स बढ़ती जा रही है, मेरा वर्कडन भी बढ़ना शुरू हो गया, पर कैसे जैसे करके मैंने इसके साथ बिठा दिया, पर मेरे को इन दोनों को पकड़ के रखना पड़ा, क्योंकि अगर मैंने छोड़ दिया ये फिर क्लास के बाद भाग जाएगा। ठीक हो गया यहाँ तक? तो इनमें क्या भर दी मैंने सिस्टम में, एनर्जी बाय अप्लाइंग सम वर्क डन। ठीक हो गया यहाँ तक? तो अब तीसरे स्टूडेंट को कहा भाई तू भी चार्ज है, तू भी चल, क्लासरूम के बाहर तो प्रॉब्लम है नहीं, फील्ड के जब तक बाहर है कोई मुझे काम नहीं करना पड़ता। जैसे ही तीसरा चार्ज भी इनके फील्ड में एंटर कर गया, अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, उसे रिपेल कर रहे हैं, मुझे को फिर वर्क डन करना पड़ा। तो पहले केस में वर्क डन क्या करना पड़ा, जीरो, दूसरे केस में मान लो 10 जूल, तीसरे केस में और भी करना पड़ा, क्योंकि अब की बार दो चार्जेस हैं जो उस थर्ड को क्या कर रहे हैं, रिपेल। तो मान लो मैंने कितना चार्ज इसमें वर्क डन किया, 30 जूल, तो कुल मिलाकर तीनों को यहां प्लेस करने में अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना लग गया, 0 + 20 + 30, 50 जूल। ठीक है यहां तक? तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना आ गया, 50 जूल। ये अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर होगी इन तीनों की फॉर्म में। अगर मैंने इन तीनों को छोड़ दिया, तीनों क्लासरूम के बाहर मिलेंगे आपको,
एटलीस्ट अगर मैं इसको स्टैटिक इसको बिठा भी लूं वो दो तो नहीं मिलेंगे आपको। तो ये अपने आप भागे कैसे? कोई स्टूडेंट कहेगा क्योंकि इस चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है जी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में दोनों भाग गए। मैंने कहा कैसे? उनके ऊपर फोर्स लगी। कोई कहेगा नहीं, इनमें एनर्जी थी, वो एनर्जी लेके ये भाग गए। अब देखो दोनों एक्सप्लेन करने का तरीका तो वही है, कोई फोर्स से एक्सप्लेन कर रहा है और कोई एनर्जी से एक्सप्लेन कर रहा है। तो अब हम अपना काम एनर्जी से एक्सप्लेनेशन देंगे, फोर्स से हमें पता आंसर क्या होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? और ये जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन मैंने किया इन तीनों को इकट्ठे लाने में, वो अमाउंट ऑफ वर्क डन टोटल इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो एक्सप्रेशन निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। अब अगर आप किताब खोलेंगे, अजीब सी डेफिनेशन लिखी होती है, क्या? इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ऑल चार्जेस ऑफ सिस्टम इनिशियली लाइंग एट इन्फिनिटी टू रिस्पेक्टिव पोजिशन। अब बंदा पहली बार अगर डेफिनेशन पढ़ लेना वो समझ ही ना पाए कि हुआ क्या है। लेकिन अगर आप मेरे उससे एग्जाम्पल से रिलेट करो कि आप चार्जेस इनिशियली कहाँ पर पड़े थे, तीनों एट इन्फिनिटी, और मैं उनको रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे लेके आ रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ रहा है? अमाउंट ऑफ वर्क डन, वही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। कोई डाउट इसमें? तो एक काम करते हैं, तीन चार्जेस का बाद में करेंगे, पहले दो चार्जेस की बात करते हैं। तो पहले दो चार्ज की एनर्जी निकालने सिस्टम की क्या होगी। एक काम करते हैं, फर्स्ट चार्ज को यहाँ रख दो। फर्स्ट चार्ज तो बेचारा कुछ नहीं कहता, वो कहता जहाँ हूँ जहाँ कहोगे वहीं से पढ़ूंगा। Q1 रख दिया, फिक्स कर दिया। Q2 को इन्फिनिटी से लेके आना है और कितने डिस्टेंस पे रखना है? R। तो जब मैं इसे खींच के लेके आऊंगा कभी ना कभी इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाएगा Q2, तो Q1 Q2 को क्या करेगा? रिपेल। तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? वर्क डन। तो आप फोर्स लगाएंगे और आप इसको यहाँ लेके आएंगे, वर्क डन करेंगे। अब आपको पता है कि Q1 ने Q2 को क्या किया? रिपेल। और ये फोर्स वेरिएबल है क्योंकि जैसे जैसे पास आ रहे हैं एक्स की वैल्यू क्या हो रही है? चेंज, राइट? तो फोर्स वेरिएबल है, तो फोर्स की वैल्यू एक्स डिस्टेंस पे क्या होगी? 1/4πε0 Q1 Q2/x2। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? लेफ्ट की तरफ। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या आ गया? FdX cos 180। cos 180 मैथ्स में क्या होता है? -1। फोर्स की वैल्यू को पुट किया, टोटल वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेट करते हैं कहाँ से कहाँ? 0 से W और यहाँ पर इन्फिनिटी से R, क्योंकि हम इन्फिनिटी से R पे लेके आ रहे हैं। तो जब हम इन्फिनिटी से R पे लेके आ रहे हैं, इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, x की पावर -2 की इंटीग्रेशन, x की पावर -1/-1, माइनस माइनस कैंसिल प्लस, तो आपके पास ये टर्म आ गई। और 1/x में लिमिट पुट करेंगे, एक बार 1/r, एक बार 1/∞, 1/∞ तो 0 होता है। तो फाइनल आंसर क्या आ गया? ये आंसर आ गया। ये अमाउंट ऑफ वर्क डन ही क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस। तो पहला फॉर्मूला फॉर्मूला रजिस्टर में लिखें, पोटेंशियल एनर्जी टू सिस्टम ऑफ टू चार्जेस का 1/4πε0 Q1 Q2/r, r स्क्वायर नहीं, r, ये पहला फॉर्मूला लिखें प्लीज। डेरिवेशन तो आने का चांस नहीं है पर फॉर्मूला जरूर आएगा, पर फिर भी मैंने करवा दी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर फॉर्मूले के ऊपर एप्लीकेशन जरूर आएगी। नोट करना है, एनर्जी का फॉर्मूला क्लियर है? ठीक, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की।